செலுத்தி செயல்பட வேண்டும் என்று கூறிக்கொண்டு பாரத் மாதா கி தன்யவாத் வணக்கம் வாஹ் காஷி तमिलनाडु संगमम जो एक पूरा कार्यक्रम चल रहा है उसमें पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके साथ में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी नजर आ रहे हैं और इस दौरान अपना संबोधन दे रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और हमारे देश में संगमों की बड़ी महिमा है ऐसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने उद्बोधन के दौरान कहा। भारत वो राष्ट्र जिसने सांस्कृतिक एकता को जिया है ऐसा प्रधानमंत्री ने अपने उद्बोधन में कहा है। तो एक दूसरे के मनों को जाना है भारत वो राष्ट्र है और अपने उद्बोधन को इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों के सामने रखा। इस दौरान काशी से आए हुए तमाम लोग जो हैं वो मौजूद रहे, तमिलनाडु से आए हुए काशी में मौजूद रहे वो लोग और वडक्कम करते नजर आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। काशी तमिल संगमम की 5 तस्वीरें हम आपको दिखाने वाले हैं। देखिए तस्वीरें, तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरीके से काशी में इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे, उनका स्वागत किया गया और एक अलग अंदाज में नजर आए। दक्षिण भारत कपड़ों में वो नजर आए जो पारंपरिक परिधान दक्षिण भारत के उन्होंने पहने और उसके अलावा अगर हम देखें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल साथ साथ मंच पर नजर आए। दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं मध्य में जो तस्वीर है उसमें जो काशी तमिल संगमम कार्यक्रम में लोक नृत्य को पेश करते हुए कलाकार नजर आए और किस तरीके से काशी में उत्साह का मंजर है वो तस्वीरों से आप अंदाजा लगा सकते हैं। और इस दौरान उत्तर दक्षिण का संगम जो है वो नजर आया। तो पीएम नरेंद्र मोदी इस दौरान संबोधित करते नजर आए और सीएम योगी आदित्यनाथ उनके साथ में नजर आए। काशी तमिल संगमम की आज शुरुआत हो गई और ये कार्यक्रम आगामी 1 महीने तक चलेगा जिसमें उत्तर और दक्षिण की जो शैली है, जो उत्तर और दक्षिण की तमाम लोक कलाएं हैं और जो कुटीर उद्योग से जुड़ी हुई चीजें हैं, लघु उद्योग से जुड़ी हुई चीजें हैं वो सब यहां पर नजर आएंगी और एक भारत श्रेष्ठ भारत की बुनियाद जो प्रधानमंत्री ने रखी है वो देखी जा सकती है। तो तमिलनाडु के 3 केंद्रों के मेहमान जो है वो यहां पर नजर आए और 12 समूहों के कुल 2500 लोग जो है वो काशी आएंगे। 216 मेहमानों का काशी आगमन हुआ है जहां पर उनका स्वागत भी हुआ, प्रधानमंत्री ने सम्मानित भी किया और पहले दल में 216 मेहमानों का आगमन हुआ है। काशी तमिल संगमम को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने कहा कि देश की प्राचीनतम धर्म नगरी काशी का तमिलनाडु और तमिल भाषा से श्रद्धा और संस्कृति का नाता है। तमिलनाडु सहित देश दुनिया के लोग काशी आते रहते हैं। काशी के धार्मिक महत्व के कारण देश के सभी भागों के लोग सदियों से यहां आते रहे हैं, जिससे गंगा जी के तट पर बसी यह पवित्र नगरी भारत की धर्म, संस्कृति और आध्यात्मिक चेतना का केंद्र बनी हुई है। तमिलनाडु प्राचीन काल से ही ज्ञान, कला और संस्कृति का केंद्र रहा है, जिसे पांड्य, चोल, पल्लव आदि राजाओं ने